सोमवार को ताज नगरी आगरा में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का डेलीगेशन पहुंचा। वहीं इस डेलीगेशन के आगमन के बाद केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा शिल्पग्राम पर डेलीगेशन का स्वागत किया। इस विशेष डेलीगेशन में 42 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें कई रॉयल फैमिली के सदस्य भी शामिल हैं। डेलीगेशन का मुख्य उद्देश्य आगरा में ताजमहल का दीदार करना है। ताजमहल जो विश्व धरोहर स्थल है और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, देखने के लिए डेलीगेशन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल की ओर रुख किया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आगरा शिल्पग्राम पर डेलीगेशन का स्वागत करते हुए कहा कि यह आगरा के लिए गर्व की बात है कि इतने महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ताजमहल और भारतीय संस्कृति का अनुभव करने आए हैं। आज आए हुए हैं और वो ताजमहल देखेंगे और उसके बाद लंच करेंगे और दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे, तो इससे एक सौहार्द बढ़ता है। भारत में वैसे भी हम वसुधैव कुटुंबक और अति देवो भव की अवधारणा को लिए हुए हैं, सर्वे भवंतु सुखिनः वाले, तो इन लोगों के साथ डायलॉग होगा, देशों से हमारे रिश्ते अच्छे होंगे और खेल को भी बढ़ावा मिलेगा। जब ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया की आती है, तमाम मीटिंग्स हो रही हैं, माननीय नड्डा जी भी मिले हैं, खेल मंत्री भी मिले हैं, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी मिले हैं, तो विचारों का आदान प्रदान होगा और भविष्य में शायद हमें ओलंपिक करने की मेजबानी, हम उसकी दावेदारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बढ़ावा मिलेगा। इस दौरे का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा किया गया है, जिसमें विभिन्न देशों के खेल और सांस्कृतिक प्रतिनिधि शामिल हैं। आगरा की इस यात्रा के दौरान डेलीगेशन को ताजमहल के अलावा शहर की अन्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का भी भ्रमण कराया जाएगा। जो सार है वो सिर्फ ये था कि हम वसुधैव कुटुंबकम के लिए बात करें। सो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, राजा रणधीर सिंह जी, उन्होंने ये इनिशिएट किया है, तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं कि आगरा के आप सभी पत्रकार बंधुओं ने बहुत सारा मेहनत किया, इंतजार किया। डेलीगेट तो हमारे पास 42 कंट्री के आए हैं और इनमें सब रॉयल फैमिलीज भी हैं, जैसे जॉर्डन प्रिंस, बहरीन के सुल्तान के बेटे। सो मेन बात यही है कि अभी जो हमारा एशियाड होगा जापान में, और राजा रणधीर सिंह जी को पहली बार ऐसा है कि 25 साल बाद ये जनरल असेंबली इंडिया में हो रही है और इसको पूरा अच्छी तरह से कन्वेक्ट कराया गया है। धन्यवाद आप सबके साथ। डेलीगेशन की आगरा यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया ताकि प्रतिनिधियों को कोई असुविधा ना हो और उनकी यात्रा सफल और सुरक्षित हो। मून न्यूज के लिए कैमरामैन ताराचंद के साथ अनिल चौधरी की रिपोर्ट।